हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो हमें चार ऑप्शन दिए, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, गैलिना और मैलेशाइट। इसका जो सोल्यूशन है मैंने वो लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ गैंग पार्टिकल्स और मिनरल्स, इनमें जो वेटेबिलिटी का डिफरेंस होता है इसी पर बेस्ड ये प्रोसेस है। और जब भी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्वेश्चन में दिए हो तो आपको सबसे पहले सल्फाइड ओर दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए इसके लिए ही ये यूज होती है। ठीक है, तो चलिए इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। मैग्नेटाइट का Fe3O4, सिडेराइट का Fe CO3, गैलिना का PbS और मैलेशाइट का CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। तो देख सकते हैं गैलिना यानी PbS होता है, जो कि एक सल्फाइड ओर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सल्फाइड ओर में आपको मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था मेटलर्जी पर, जहाँ पर मैंने एक लिस्ट दी थी, उसमें सारे सल्फाइड ओर दिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ कर जाकर देखें, और NCERT में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है ये मेथड, तो आप वहाँ से भी एक बार पढ़िए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ, तो ए ऑप्शन है Pb, दूसरा है Cr यानी क्रोमियम, सी कॉपर और डी जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन, वैसे ये 8th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन में ये जो प्रोसेस है उसमें हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं आयरन और स्टील पर, ताकि हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म ऑन कम्बशन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन द एक्सेस ऑफ एयर आर रिस्पेक्टिवली। तो ये एक अल्कली मेटल्स की रिएक्शन है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जब हम एयर में इनको रिएक्ट कराएंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, तो जो मेन प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, फिर आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो लिथियम को जब हम एयर में रिएक्ट कराते हैं तब हमें ऑक्साइड मिलता है Li2O, सोडियम को जब हम एयर में रिएक्ट कराते हैं तब हमें मिलता है परऑक्साइड Na2O2, और जब पोटेशियम को रिएक्ट कराते हैं तब हमें मिलता है सुपर ऑक्साइड KO2। आई होप आप इसे याद रखेंगे। चलिए, थैंक यू।